गुड आफ्टरनून अभिवन ऑनलाइन आना मेरा इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ बातें जो आ रही है जैसे अभी एवीपी का हमने देखा था सुबह ही मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट इतना और इतनी जल्दी जल्दी क्यों क्यों चीज कर रहा है क्या बुखलाहट तो नहीं है आप एक स्टेटमेंट मिस्टेक करके रखिए आप ये बोलिए कि हाँ भाई हम बहुत पाक साफ है कोई लीकेज नहीं हुआ ये बोलिए बोलिए एसएससी से कभी कोई पेपर लीकेज होता ही नहीं है ये बता सकते हैं आप आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि एसएससी से कोई पेपर लीकेज नहीं हुआ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एसएससी के अधिकारी कोचिंग सेंटर के साथ मिलकर पेपर लीक करते थे खुराना साहब का ये स्टेटमेंट नोट किया जाए मैं छात्रों को कह रही हूं कि ये स्टेटमेंट नोट करो जो खुराना साहब ने कहा है कि एसएससी के अधिकारी कोचिंग सेंटर से साथ मिलकर पेपर लीक करते थे जब ऑफलाइन पेपर होता था तो बस यही बात है उनका यही स्टेटमेंट काफी है कि सभी परीक्षा प्रणाली पूरी परीक्षा प्रणाली का ही जांच कराना चाहिए सीबीआई के द्वारा क्योंकि अगर खुराना साहब ने एसएससी के चीफ होने के बाद अगर ये स्टेटमेंट दिया है कि एसएससी के अधिकारी कोचिंग सेंटर के साथ मिलकर पेपर लीक कराते थे तो ये स्टेटमेंट इनका सफिशियंट है सफिशियंट है यह बताने के लिए चाहे वो सरकार को हो या कोर्ट को हो कि इसका मतलब है कि एसएससी खुद मानती है कि इनके अधिकारी लिप्त है इस मामले में और इसीलिए पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली की सीबीआई जांच होनी चाहिए सबसे पहले खुराना साहब आपका धन्यवाद जो आपने अपने मुंह से यह स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि हम चाहते ही थे कि कम से कम ऐसी कोई बात हुए ताकि हम ये बात समझ सके कि हाँ कहां से होता है रही बात आपके कौन कौन से अधिकारी इस चीज में शामिल है ये बात अधिकारी नहीं बताएंगे ना ही एस बताएगा क्योंकि अगर एस एस की अधिकारी इसमें लिप्त है लिप्त थे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में किसी में भी तो इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी ही इसकी जांच कर सकती है और सीबीआई से अच्छी एजेंसी और कोई पुलिस इस मामले में जांच करने के लिए सेकेंडली खा साहब बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं एक बार कहते हैं कि नहीं लीकेज नहीं हुआ है चीटिंग है उसके बाद वो कहते हैं कि एस की अधिकारी इसमें शामिल है तब तो इसका मतलब है कि वो खुद भी कंफर्म नहीं है कि वो बोलना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं उनका इशारा हमेशा कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर पर रहता है अरे कोचिंग सेंटर क्या बोलना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आने के बाद कोचिंग सेंटर की कमाई कम हो गई खुराना साहब आपको बता दें कि ऑनलाइन आने के बाद कोचिंग सेंटर की कमाई कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि बचत हो रहा है पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो हम लोगों को पेपर आ, प्रिंट कराने में और पेपर फोटोकॉपी कराने में जो ऐसे खर्च होते थे ऑनलाइन होने के बाद उसकी बचत हो रही है पहली चीज दूसरी बात है जो स्टूडेंट हमारे उन्हीं सेंटर्स पे आते थे जहां पर वो एग्जाम हो सकता था बस वही पैसा आ सकता था हमारे पास लेकिन अब ऑनलाइन से तो हम हर शहर हर गांव हर गली में पहुंच गए हैं जहां पे बच्चा बस ऑनलाइन आता है और हमारा टेस्ट पेपर दे देता है हमारी कमाई तो बढ़ गई इसीलिए आप ये बात नहीं कह सकते कि ऑनलाइन आने के बाद हमारा हमारी कमाई कम हुई है ऑनलाइन आने के बाद तो ऐसे लोग भी कमाई कर रहे हैं जिनका क्लासरूम प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है वो फेसबुक के द्वारा और अपने पेजेस के द्वारा कमाई कर रहे हैं आप कोचिंग सेंटर्स की कमाई पर मत जाइए हम बहुत मेहनत करते हैं हमारी कमाई हराम की नहीं है हम कोई स्कैम करके कमाई नहीं करते हैं हम बहुत मेहनत करके कमाई करते हैं और हम करोड़ों में टैक्स देते हैं करोड़ों में टैक्स देते हैं और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा टैक्स पेस में आते हैं इसीलिए हमारी का, का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें कौन कौन से ऑफिसर है ये आप पता लगाइए और ये पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले निष्पक्ष जांच पूरे कंप्लीट एसएससी प्रणाली पर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके कि कौन अंदर और कौन बाहर इसमें शामिल है आप तरह तरह से आम ट्विस्ट करके तराने डराने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं हम बिजनेस कर रहे हैं हम डर रहे हैं भाई ऐसा ना हो कि ये सरकार के खिलाफ पंगा हो जाए हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए भाई हम सरकार से लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एस के जो खामियां है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं इसमें सरकार कहां से आ जाती है बार बार और आप कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट क्यों देते हैं बार बार कभी कहते हैं कि नहीं लीकेज नहीं होता है कभी कहते हैं एसएससी के पहले ऑफलाइन में जो अधिकारी थे खुराना साहब सबसे पहले एक बात है आप लोगों ने रघुपति सर के जाने के बाद स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया क्या स्टूडेंट दो कोड़ी का आदमी है जिससे आपने बंद कर दिया कम्युनिकेशन क्या वो अनपढ़ है जो लोग एग्जाम दे रहे हैं दसियों एग्जाम दे लिए हैं उनके पास ज्यादा जानकारियां आपका ही एनडब्ल्यू आर पेज था बहुत सभ्य लोग थे उसमें उस पेज में लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर भी अपनी भड़ास निकाली जब शुरू कर दी तो वो एनडब्ल्यू आर पेज ने अपना पेज को ही डिलीट मार दिया उसके बाद से आज तक पिछले चार साल लगभग होने जा रहा है चार साल से क्या एस ने कोई कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश की बच्चों के साथ साल जहां कम्युनिकेशन बंद हो जाता है वहां रिश्ते बिगड़ते हैं क्या ये बात आपको बतानी पड़ेगी जहां पर कम्युनिकेशन बंद हो गया वहां पर रिश्ते बिगड़ेंगे और वही कारण है जो आज एसएससी के साथ बच्चों का संबंध बिगड़ा है वरना कोई किसी की मजाल नहीं थी जो एसएससी को खराब बोल देता अगर एसएससी ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो आप पांच पांच दस दस क्वेश्चन में देखते हैं आपके मिस्टेक्स होते हैं एक 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 टेस्ट पेपर में पांच पांच मिस्टेक है पांच मिस्टेक का मतलब हो गया कि दस मार्क्स तो ऐसे ही उस स्टूडेंट को मिल गया जो उस शिफ्ट का पेपर दिया है कैसे हो जाता है हम भी तो मॉक टेस्ट लेते हैं हम लोग पांच क्वेश्चन जिस वीक मिस्टेक कर दे जबकि हम हर सप्ताह मिस्ट करते हैं तो हमें जूते पड़ते हैं गालियां पड़ती है बुरी तरह से हम डर के मारे मैं खुद प्रूफ रीड करती हूँ टेस्ट पेपर का मेरा यही कहना है कि एसएससी जैसा एग्जाम में पांच पांच क्वेश्चन आप मिस्टेक करते हैं आप और उसके बाद आंसर जब आता है तो उसमें आप मिस्टेक करते हैं और हर बच्चे से सौ रुपया वसूला जाता है एक एक क्वेश्चन का यानी कि करीबन एक बच्चा 400 से 500 रुपया वो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेशन में खर्च करता है उस पैसे का क्या होता है क्या बच्चों का ये अधिकार नहीं बनता कि वो पूछे कि जब आपकी गलती है आपने आंसर गलत दिया है तो उसके पैसे हम क्यों दें आपका कौन सा ग्रीवांश सेल है जो ग्रीवांश सेल अगर देखा जाए तो सर करोड़ों की कमाई आप सिर्फ इसी सौ रुपये से कर रहे हैं एक एक बच्चा सौ सौ रुपया दे रहा है एक क्वेश्चन का इसकी करोड़ की कमाई आपकी हो रही है आज बच्चा वहां धूप में तड़प रहे हैं यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेहोश हो रहे हैं क्या उनको हम बेहोश कर रहे हैं ठीक है इतनी औकात नहीं रखते हैं हम लोग कि हम लोग बच्चे को कहेंगे कि जाके सड़क पर बैठ के बेहोश हो जाओ और सड़क पर बैठ के बेहोश हो जाएंगे वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे इसलिए बेहोश हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं क्या आपको वीडियोस नहीं दिखाई दे रहा है जब बच्चा रो रहा है वीडियो में और कह रहा है कि हम जमीन बेच के खेत बेच के हम दिल्ली आए पढ़ने के लिए सर सुन के कांप जाता है दिल और उसके बाद क्या होता है कहा जाता है कि नहीं आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है आप चुप रहिएगा अरे मेरे खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा हमने क्या किया है हमने कौन सा बच्चों को इंस्टिक्यूट किया, किया पर जाके बच्चे ने कोई एक पेन भी तोड़ दिया है जाके के एसएससी पास सारे बच्चे वहां पे अपने भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कोई वहां पर कोई सुन नहीं रहा है आप सीबीआई इंक्वायरी सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी ठीक है सत्रह से बाईस तक का बच्चों ने आपको दिया है प्रूफ आपने कहा ठीक है मैं करवा रहा हूं क्यों भी आपने नहीं कहा बच्चों के प्रेशर में आके सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुआ है आप मुझे ये बताइए जो आपने खुद अपना स्टेटमेंट दिया है कि एसएससी के अधिकारी कोचिंग सेंटर के साथ लिप्त थे और उस समय ऑफलाइन पेपर आउट होता था आपने न्यूज चैनल में कहा है अगर आपका स्टेटमेंट सही माना जाए तो पूरे की पूरी एसएससी की प्रणाली पूरी भर्ती प्रणाली में ये होना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी और मेरे जो स्टूडेंट है अब वहां पर वहां पर मैं बता दूं कि मेरे वहां स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए हैं वहां पर स्टूडेंट जो बैठे हैं किसी कोचिंग सेंटर के नहीं बैठे हैं वहां पर पुलिस भी और पार्टीज पार्टी पूछ रहे आप लोग तो किस कोचिंग सेंटर से हो बच्चे भी समझ गए हैं कि यहां पे किसी न किसी कोचिंग सेंटर को का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है अरे सीबीआई पर, कि कि पर सेटिंग है और पेपर बाहर कैसे आता है स्कैम क्या है, तो है क्या हो रहा है इस चीज का नहीं है कि कौन से कोचिंग ने खाना खिला दिया कौन से ने प्यार से बच्चों को सलाह दिया जब भविष्य की बात आती है ना तो आज का युवा खुद ही जागरूक है वो खुद ही अपना डिमांड करता है वहां पे जो भी शिक्षक है वो सिर्फ शिक्षक इसीलिए वहां था ताकि बच्चे बिल्कुल शांति बनाए रखे ताकि कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो उनको इसीलिए था ना कि इसलिए था कि वहां पे कोई इंस्टिगेट कर रहा है लैंग्वेज देखिए इंस्टिगेट कर रहा है नर्चर कर रहा है फंडिंग कर रहा है अरे कोई भिकमंगे को लाद बैठे हुए हैं वहां पे क्या उनको फंडिंग चाहिए कहीं और से मैं सिर्फ एक ही चीज कहती हूं आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है एबीपी न्यूज पे खुराना साहब का कि एसएससी अधिकारी इसमें लिप्त थे कोचिंग सेंटर के साथ मिलके अब उन्हीं का स्टेटमेंट है तो मेरा यही कहना है कि उन्हीं का ये स्टेटमेंट लेके मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि उनके दिए हुए जो वक्तव्य है उनको ही इकट्ठा करिए उनके ही दिए हुए वक्तव्य को लेकर बारह तारीख को जो केस के किसी ने फाइल किया है उस मामले में कोर्ट में भी यही वक्तव्य दे दीजिए कि जब उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ऐसा एस के अधिकारी कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिया जाए क्या प्रॉब्लम है सारे सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है सबका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे पहले 700 एडमिट कार्ड आपके ही ऑफिस से निकल गया आपको पता नहीं क्या आपके पास कोई भी ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था जो एक ही व्यक्ति का फेस करके या उसका नेम रीड करके उसको उसका ये कर दिया जाए उसको हटा दिया जाए सात सौ एडमिट कार्ड आपके ऑफिस से निकल रहा है और लिप्त है कोचिंग सेंटर मतलब अभी भी पूरा फुल फ्लैश घोटाला चल रहा है हाँ ये है कि बच्चे अवेयर हो गए हैं जिसके कारण पूजा रानी, रानी हो या वो चौहान जो था ये सब उनके कारण ही बाहर आ रहे हैं वरना एसएससी ने अपनी तरफ से क्या किया ये बताया जाएगा ऐसे ऐसे चोर टाइप के, के ये से जहां पे लग रहा है जैसे कि बस एक तिरपाल बिछा के ही वो वहां पे अपना सेंटर बना ले स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना एसएससी जैसा ऑर्गेनाइजेशन का वेंडर का ऐसा ऐसा आपके आम, सेंटर्स है जिन सेंटर्स की कोई औकात ही नहीं दिख रही है सारे सबूत हम दे मतलब सबूत आप लाइए अरे आप ऑर्डर करिए ना इन्वेस्टिगेशन का सीबीआई का सबूत इकट्ठा करने का तरीका बहुत साइंटिफिक होता है वो खुद इकट्ठा करेंगे बस एक ही चीज है कि इनका तरीका क्या है कि जो मुंह खोले उनका मान मदन कर दो उनको दबा दो ओपनली ये बताइए जरा ओपनली मीडिया में आके ये धमकी दे रहे हैं कोचिंग सेंटर्स को इतना ये कोई डेमोक्रेसी है कि यहाँ हिटलर सा ही है मैं चुप बैठी हूं घर में इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं चोर हूं मैं सिर्फ इसलिए डरती हूं क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारा परिवार है अदरवाइज मुझे किसी का डर नहीं है जैसे तो रघुपति सर ने कहा था ना कि उनकी वाइफ नहीं है और वो भी अब पैसे हो गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सही बात कह रहे हैं वैसे ही लोग मैं तो रघुपति सर, सर आपको रिक्वेस्ट करती हूं कि यहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अधिकारियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं कौन अधिकारी पहले वाली यानी सारी के सारी अब पाक साफ है अगर आप कह रहे हैं खुराना साहब अगर आप कह रहे हैं कि एस के अधिकारी इसमें शामिल है कोचिंग सेंटर शामिल है मैं आपसे मैं आपको बिल्कुल आह्वान करती हूं दावा करती हूं कि अगर आपको नाम पता है तो आप सामने लाइए और सबका नाम सामने लाइए और उसके बाद का दूध और पानी का पानी सीबीआई करेगी लेकिन हां दूसरी तरीके से आम इस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको यह गलत बात है और बताइए कोई क्वेश्चन पूछना पूछना किसी को यहाँ कुछ लोग हैं नेता जी है यहाँ पे नेतागण लोग भी हैं वो भी वॉच कर रहे हैं इसलिए मैं सीधा सीधा एक ही चीज कहूंगी कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर उसमें आ रहे हैं बच्चों के विश्वास के साथ आ रहे हैं कि हाँ आपको हम पर विश्वास करना चाहिए हम आपका काम करने जा रहे हैं तो कम से कम उनको आखिरी तक बच्चों के साथ देना चाहिए न कि बीच में अपनी पीठ थपथपा के उस पूरे मोर्चे से हट जाना चाहिए पहली चीज दूसरी बात है कि मैं बिल्कुल कंप्लीटली मैं कह रही हूं बिल्कुल वेलकम कर रही हूं इस मामले को कि अगर आज जो एसएससी चीफ ने कहा है अगर उसमें सच्चाई है और अगर आपने जो स्टेटमेंट दे दिया तो मैं मानती हूं स्टेटमेंट दे दिया तो सच है आपने स्टेटमेंट दे दिया है कि एसएससी के की अधिकारी और कोचिंग सेंटर शामिल है मैं तो बस कहती हूं इसी स्टेटमेंट पर इसी स्टेटमेंट पर सरकार को एक्शन लेकर इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी बिठा देनी चाहिए मुझे अच्छे से पता है मुझे अच्छे से पता जो आप लोग कह रहे हैं। तु, 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 कोचिंग के सबसे बड़ा हाथ है कोचिंग सेंटर्स थे जो इसी से कमाई करते थे। मुझे अच्छे से पता है और मैं आपको एक बात बता दू सी का जो पेपर आउट हुआ था या एम का जो पेपर आउट हुआ था वो मैं नहीं बताया था मैंने ही एक्सपोज किया था उसके बाद क्या हुआ उसके इंक्वायरी में क्या निकला क्या सामने आया बस खाली छोटे मोटे जो छोटी मोटी मछलियां हैं उसको ही पकड़ के साफ कर देते हैं ये लोग बड़े बड़े लोग तो बच ही जाते हैं देखिए मुझे मैंने कहा आपको मैं सिर्फ पीछे इसलिए मैं हट गई थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ लोगों को दिखाना चाहती थी कि ना मैंने ये ये प्रोटेस्ट चालू किया है ना ही ये प्रोटेस्ट मैं खत्म कर सकती हूं अगर मैं हट भी गई हूं तो ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा और एक बात और बता दे एक कहावत है बिहारियों में कि हुलकाय कुत्ता शिकार नहीं करता जो कुत्ते को हु कर देते हैं और वो सोचते हैं वो शिकार कर लेगा वो शिकार नहीं करता है इसलिए एक चीज बता दूं कि अगर जो अंदर से शिकार करने का जज्बा होता है ना वो अंदर से आता है वो किसी को आप इंस्टिगेट या मोटिवेट कर देंगे और वो जाके ग्यारह दिन तक धूप में बैठ जाएगा ऐसा नहीं हो क्वेश्चन पूछना आप लोग बताइए सबसे मेन चीज है तीन चार चीजों को मैं अब बिल्कुल समराइज करना चाहती हूँ सबसे पहला जो खुराना साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है सिर्फ उसी के बल पर सिर्फ उसी के बल पर कंप्लीट सीबीआई का जांच का आदेश दिया जा सकता है पहली चीज सबसे पहले एसएससी को अपने ग्रीवांसल बनाना चाहिए और स्टूडेंट कम्युनिकेशन शुरू करना चाहिए ना कि ये सौ सौ रुपया का धंधा खेलना चाहिए उसके अलावा अगर आप खुराना साहब कॉन्ट्रडिक्ट्री स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सारे कॉन्ट्रडिक्टी स्टेटमेंट को इकट्ठा करिए और लेके आइए मुझे जहां तक लग रहा है कि सारे कोचिंग सेंटर्स वाले यही सोच रहे हैं कि सब लोग सभी टीचर्स कह रहे हैं कि मैडम आप पीछे हट रही है आप पीछे हट रही है और आपको नहीं हटना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मैं शांत रहूं ताकि ये मामला का मेरे तरफ से हटके स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की तरफ ध्यान जाएगा लेकिन ये हर हर जितने ही इनके आ रहे हैं लाइव आ रहे हैं और या फिर मीडिया को दे रहे हैं प्रेस रिलीज दे रहे हैं सब में कोचिंग सेंटर नाम लीजिए ना कोचिंग सेंटर का साथ मैं तो कह रही हूं नाम लीजिए कोचिंग सेंटर अगर सेटिंग रखता है ना तो ये लैब्स आज कोचिंग सेंटर वालों का होता ना कि टुच्चे लोगों का लैब होता ठीक है ना उसमें आप भी ये निकालिए कि कितने कोचिंग सेंटर्स वालों का कितना एसएससी का लैब चलता है ये भी जांच का विषय होना चाहिए बहुत मेहनत की कमाई है सर बहुत मेहनत की कमाई है और एक एक पैसा हम जो कमाते हैं वो मेहनत के बल पे कमाते हैं और वाइट कमाते हैं किसी की बाप की औकात नहीं जो कह दे कि नीतू सिंह ने एक भी पैसा घपड़े से या स्कैम से कमाया लेकिन हां जांच जो हो वो निष्पक्ष हो क्योंकि मैं ये डेमोक्रेसी में यही उम्मीद करती हूं थैंक यू